नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं एक लेयर पोल्ट्री फार्म पर मवाना उत्तर प्रदेश में, जिसे भैया चलाते हैं। तो भैया, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का छोटा सा परिचय दें। नमस्कार भाइयों, हमारा ये फार्म यूपी में मेरठ डिस्ट्रिक्ट में मवाना एक जगह है, उसमें एक छोटा सा गाँव है खेड़ी मनियार, उसमें पड़ता है ये। और हमारा ये 6000 बर्ड का लेयर पोल्ट्री फार्म है। भाई साहब, आपकी एज क्या है और एजुकेशन क्या है? मेरी एज 30 साल है और एजुकेशन मैंने MBA किया हुआ है फाइनेंस स्टेट से। MBA? हाँ जी। पुश्तैनी अपना काम क्या है वैसे? एग्रीकल्चर का, खेती का काम हमारा पुश्तैनी है जी। हाँ जी, मतलब किसान पुत्र ने MBA की और उसके बाद में अपना बिजनेस शुरू किया। हाँ जी, हाँ जी। तो विचार कैसे आया इसका? विचार एक तो MBA की हुई थी, तो कुछ अपना बिजनेस भी करना था जी। और कुछ बिजनेस ये था कि कुछ एग्रीकल्चर से, खेती से जुड़ा हुआ बिजनेस हो, तो ये बिजनेस खेती से जुड़ा हुआ भी है हमारा। आपने MBA अपना बिजनेस करने के लिए की, नौकरी करने के लिए नहीं की? नहीं, बिजनेस का आइडिया तो बचपन से ही बिजनेस करने का वो था जी। तो फिर उसमें कुछ देखिए, हमने पढ़ाई की है तो पढ़ाई कहीं ना कहीं हमारे काम आती है इसमें भी। जैसे हम करते हैं कुछ फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं, तो उसमें भी हमारी पढ़ाई हमारे काम ही आती है। अच्छा, शुरुआत कैसे हुई आपने MBA करने के बाद में? क्या शुरुआत MBA करने के बाद में, मैंने डेयरी का काम भी किया, वो रनिंग में भी है अभी भी जी। तो उसके साथ साथ कुछ और भी काम करना था, मल्टी बिजनेस ज़्यादा अच्छे रहते हैं कि एक चल रहा है काम दूसरा भी कर लें, तो फिर मुझे जो है यही बिजनेस ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा भाई साहब, धूप बहुत तेज़ हो रही है, थोड़ा सा जी जी बिल्कुल जी जी। अच्छा, ये आपने ये सीढ़ियाँ चढ़ती हैं आपके फार्म? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ऊपर बनाया हुआ? हाँ जी, क्यों, नीचे इनकी ये वेस्टेज आ जाती है। अच्छा, नीचे इनका जो भी, हाँ जी, जो इनका मल है वो नीचे आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी जी। यहाँ से ये दरवाजा है? हाँ जी। और मैं देख रहा हूँ आपने बिल्कुल खेतों के बीच में अपना फार्म बनाया है। आप इधर पीछे ज्वार लगी हुई है, उधर गन्ना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये आपका फार्म है? हाँ जी, हाँ जी। ये हम दरवाजे के अंदर चल रहे हैं फार्म में। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपने फीड डाला हुआ है भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फीड कौन सा इस्तेमाल करते हैं आप? ये फीड एक संपूर्णा कंपनी है, उसका लेके आते हैं। उसमें हम बाजरा मिक्स करते हैं। अच्छा, ये कुछ सोयाबीन का है, एक DRB राइस की होती है, वो मिलाते हैं। तो सबका मिक्सचर करके हम यहीं पर ही अपने फार्म पे और इन्हें डाल देते हैं। तो कितने बर्ड का अपने फार्म? ये 6000 बर्ड का हमारा सेटअप है और करीब 2 बीघे में हमारा ये सेटअप है। 2 बीघे? हाँ जी, हाँ जी। तो 6000 बर्ड का है, तो 6000 बर्ड का ये टोटल सेटअप बनाने में कितनी लागत आ गई थी? 6000 बर्ड का बनाने में लगभग उस टाइम पे हमारे बर्ड सहित 35-36 लाख रुपए लगे थे। कोई 600 रुपए बर्ड के हिसाब से? नहीं, सरकारी सहायता कुछ नहीं लीजिए हमने, धीरे धीरे अपने पैसे से। अपने पैसे से बनाया था? हाँ जी। ये आपके केज में बर्ड पल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और ये आप फीड इनको दे रहे हैं? जी जी। बर्ड कौन सी कंपनी का है आपका? ये वैंकी की बर्ड है, वैंकी कंपनी की। हाँ जी। तो बर्ड का वजन क्या होता है जब लेयर पे आ जाती है? ये करीब 1 किलो 200 ग्राम से 1200 ग्राम से ये प्रोडक्शन करना शुरू कर देती है, और करीब 1400 ग्राम की जब ये हो जाती है तो मतलब फुल इनका अंडा होना शुरू हो जाता है। प्रोडक्शन कैसा होता है और कितना ये दाना खा जाती है एक दिन में? जब प्रोडक्शन, देखिए, जो बर्ड हैं वो 100 ग्राम जब प्रोडक्शन पे आ जाती हैं तो 100 ग्राम पर बर्ड के हिसाब से फीड खाती हैं जी। और ये करीब प्रोडक्शन आने के बाद ये 5 महीने में पूरे प्रोडक्शन पे आ जाती हैं, और करीब ये 100-110 हफ्ते तक, मतलब 2 साल तक अंडे देती रहती है। पीक लेवल पे जब होती है तो कितने अंडे देती है? पीक लेवल पे 95-96% प्रोडक्शन का 2-3 महीने चलता है। 100 दिन में 95 अंडे आप दे देती है? हाँ जी, 100 बर्ड में से 95 बर्ड अंडे दे देती है। और फीड कितना खाती है? 100 ग्राम पर डे के हिसाब से। 100 ग्राम, 100 ग्राम कितने का पड़ता है फीड? ये तो सीजन के हिसाब से जो फीड की कॉस्ट है वो हमारी घटती बढ़ती रहती है। जैसे अब सेप्टेम्बर में बाजरे की वो आ जाएगी तो उसमें हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। अब करीब 24 रुपए कुछ पैसे के करीब हमारी फीड की कॉस्ट आ रही है, मतलब 2 रुपए 40 पैसे। 2 रुपए 40 पैसे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जो अभी अंडा सेल हो रहा है किस रेट में जा रहा है? अंडा अब जा रहा है करीब 4 रुपए 80 पैसे के हिसाब से। 4.80? हाँ जी, हाँ जी। फिजिकल हेल्थ कैसी रहती है, कोई बीमारी वगैरह तो नहीं आती? नहीं, बीमारी तो आप समय समय पे अगर इनकी वैक्सीन करते रहो, दवाई डालते रहो, स्प्रे अगर हम समय समय पे करेंगे तो इतना ज्यादा भी बीमारी आने का कुछ वो नहीं रहता, क्योंकि ये कॉमर्शियल है। हाँ जी, ठीक है ना, वैक्सीन देना तो मजबूरी भी है और एक अच्छाई भी है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वैक्सीन देंगे तो बीमारियों से बचेंगे। हाँ जी, और बर्ड आपका हेल्दी रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। प्रोडक्शन अच्छी आएगी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। तो इस वजह से लगाते हैं और आप वैक्सीन इन्हें देते हैं। एक बात और बताइए, अभी जैसे गर्मी आ रही है। हाँ जी। गर्मी से बचाव का क्या इंतजाम किया? गर्मी से बचाव के लिए हमने फोगड़ लगाए हुए हैं जी। अभी तो आज मौसम कुछ सही है तो इस वजह से फोगड़ नहीं चला है, नहीं तो फोगड़ लगाए हुए हैं। हाँ, हवा चल रही है, क्रॉस वेंटिलेशन है, चारों तरफ से आप देख रहे हैं, उधर जाली लगी हुई है, इधर जाली लगी हुई है। जाली इस वजह से लगाई हुई है, एक तो हवा का वेंटिलेशन होता है, अगर हम यहाँ पे दीवार कर देते तो फिर हवा का जो है वो नहीं हो पाता। नहीं, देखो पोल्ट्री में तो वेंटिलेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो गैसेज निकलती है वो
बाहर जाने जरूरी है, इसी वजह से जाली लगाई हुई है। आपको 6 साल हो गए, एक अच्छा अरसा होता है किसी भी फार्मिंग को करने के लिए, एक अच्छा खासा तजर्बा हो जाता है, उतार चढ़ाव बिजनेस के पता लग जाता है। मैंने देखा बहुत सारी वीडियो बनाई है, बहुत सारे फार्म बंद होते हुए भी देखे हैं, क्या वजह रहती है और आज भी आप अच्छी तरह से कर रहे हैं? जी जी, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। देखिये, फार्म बंद होने की वजह ये रहती है कि हम उसकी केयर अच्छे से नहीं, देखभाल नहीं कर पा रहे, सर्वेंट हैं तो उनके ऊपर छोड़ रखा है, बर्ड हमारी प्रोडक्शन कम हो गया तो हम ना उस पर ध्यान दे पा रहे हैं, और फीड का मैनेजमेंट नहीं सही तरह से कर पा रहे हैं, ना हम अपनी सेल्फ को सही तरीके से जो हमारे बिक्री है ना उस तरह से हम बेच पा रहे हैं, तो ये कुछ कारण होते हैं जो फार्म बंद हो जाते हैं। पर मार्केटिंग भी बहुत मार्केटिंग जरूरी है। अपने आप फार्म का मैनेजमेंट रखना मैनेजमेंट मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी मैनेजमेंट, और साफ सफाई भी बहुत जरूरी है, अच्छा फीड भी जरूरी है, अच्छा पानी भी जरूरी है, अच्छा हवा और टेम्परेचर देना भी, मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। जी जी जी, प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो फिर बेचोगे क्या? अच्छा, पीक प्रोडक्शन जैसे कहते हैं सर्दी के मौसम में अच्छी प्रोडक्शन होती है या गर्मी में अच्छी, किस मौसम में अच्छी प्रोडक्शन? वो बर्ड की प्रोडक्शन जो है होती तो जो नेचुरल मौसम है उसमें होती है जी, सर्दी में नहीं होती, मतलब ऐसा ज्यादा सर्दी होगी तो प्रोडक्शन कुछ कम हो जाएगी, ज्यादा गर्मी होगी तो भी प्रोडक्शन कुछ कम हो जाएगी, मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए। हाँ जी हाँ जी, ना गर्मी ज्यादा ना सर्दी ज्यादा। हाँ जी हाँ जी, और फिर बर्ड की एक एज भी होती होगी, इस बर्ड बर्ड की जो है हमारी जो बर्ड पीक पे होती है वो 6 महीने से लेके करीब 9 महीने तक पीक पे होती है। अच्छा, जब आप इनको रिटायर करते हैं, हाँ, एक एज ये आती है, एक अवस्था ये आती है, हाँ, कि मुर्गी की प्रोडक्शन आपके कमर्शियल लेवल से कम आ जाए, क्योंकि हाँ, फीड का खर्चा बढ़ जाता है और प्रोडक्शन कम आ जाती है, वो कौन सी एज होती है और उस बर्ड का फिर आप क्या करते हैं? उसमें दोनों चीजें देखी जाती है कि एक तो हमारा प्रोडक्शन कितना है, प्रोडक्शन कहीं है, कई बार ऐसा होता है कि रेट बहुत ज्यादा अच्छे हैं, प्रोडक्शन कम भी दे रही है, तो उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट निकलता रहता है। अच्छा, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि प्रोडक्शन है, रेट कम हो गई है, तो उस हिसाब से फिर हम बर्ड को निकाल देते हैं, मौसम के हिसाब से भी, मार्च अप्रैल में मौसम होता है निकालने का वैसे ज्यादा अच्छा इनका। तो कब निकाल का, किन हम लोगों को देते हैं आप लोगों को? ये मीट पर्पस से बिक जाती है। अच्छा, इसको कल बर्ड बोलते हैं ना? हाँ जी, जो रिटायर हो जाता है। हाँ जी हाँ जी, तो वो आप मीट पर्पस से मीट पर्पस से सेल कर देते हैं। अच्छा, नए बर्ड बनाए रखने के लिए आप कौन सा सिद्धांत अपनाते हैं? हमारे 6,000 बर्ड का है, हम हर साल 3,000 बर्ड हमारी रिटायर हो जाती है मार्च में, और फिर हम अप्रैल में 3,000 बर्ड ले आते हैं। ये हमारी बर्ड कुछ 3,000 नहीं है, ये हमारी सितंबर फर्स्ट वीक से ही शुरू हो जाएंगे अंडे। अच्छा, तो पूरा सर्दियों का सीजन। हाँ जी हाँ जी, ये वाली नई बर्ड है, ये करीब 100 दिन की है, ये सितंबर फर्स्ट से हमारी प्रोडक्शन पे आ जाएंगे जी। और ये 3,000 बर्ड हमारी करीब 60 हफ्ते की है। अच्छा, ये प्रोडक्शन पे है पूरी। हाँ, मैं देख रहा हूँ अंडे पड़े हुए हैं यहाँ से, मतलब लाइन से अंडे पड़े हुए हैं। हाँ जी, तो ये अभी प्रोडक्शन क्या चल रहा है इनका? इनका प्रोडक्शन करीब 89-90 के करीब। अभी रोज कितने अंडे आ रहे हैं फार्म पर? ये आ रहे हैं करीब 2700 के करीब अंडे आ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। तो और सेल कहाँ करते हैं आप इस एग को? सेल तो हमारी लोकल में ही हो जाती है, कुछ जो बसते हैं लोकल से अलग, वो डीलर को देते हैं। सेल का इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत होती नहीं है अंडे, कभी प्रॉब्लम नहीं। हाँ, कभी प्रॉब्लम नहीं जी। जब से आपने शुरू किया, हाँ, कोई ऐसा फेज भी आया जब लगा भाई यार कॉस्ट बढ़ रही है और मतलब हमें प्रोडक्शन कम मिल रहा है, खर्चा ज्यादा आ रहा है और हमारा इनकम कम हो रही है? देखिए, साल में कई बार ऐसा होता है कि 1-2 महीने, जैसे अभी सावन का सीजन चल रहा था, सावन चल रहा था, तो उसमें रेट अंडे के कम हो गए थे, नवरात्रों में, नवरात्र में होता है, तो उस हिसाब से वो तो चीजें नहीं देखी जाती, क्योंकि सर्दियों में फिर रेट ज्यादा हो जाएंगे जी, जी, जी। तो वो तो 10 दिन या 15 दिन वो तो निकालने ही होते ही हैं, उसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होती, क्योंकि फिर रेट ज्यादा हो जाते हैं। ओवरऑल आप 6 साल से कर रहे हैं, कैसा लगा आपको ये काम? बहुत अच्छा काम है, अगर कोई युवा इस काम को करना चाहता है तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि ये बहुत एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ काम कुछ करना चाहता है वैसे भी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा काम है। ये 6,000 का है आपका? हाँ जी हाँ जी। साल में कितनी प्रोडक्शन, कितनी सेल हो जाती है और कितना खर्चा निकाल के प्रॉफिट हो जाता है? देखिए, प्रोडक्शन का तो ये है कि हम हर साल ले आते हैं, मतलब हर साल नई बर्ड लेके आते हैं जी। तो उस हिसाब से वो तो मैं आपको रजिस्टर में डायरी जो मेंटेन की होती है उसमें पता चल जाएगा, वो तो उसमें बता दूंगा मैं आपसे बाद जी, में जी। तो कुल मिला के अगर हम एग्रीकल्चर के हिसाब से देखें तो करीब 100 बीघे हमारी इतनी पैदा देती होगी जितनी हमारी ये 2 बीघे में हमने जो इन्वेस्ट किया हुआ है जी जी, उतनी जो पैदा देती, मतलब 100 बीघे का काश्तकार जितना कमाएगा, हाँ जी हाँ जी, उतना आप अपना ये 2 बीघे में अपनी लेयर पोल्ट्री फार्म से कमा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जो की एक अच्छा अट्रैक्टिव अमाउंट है, और आप अपना काम खुद कर रहे हैं, किसी की चाकरी नहीं कर रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, उल्टा 2 परिवारों को आप रोजगार दे रहे हैं। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी। दर्शकों, विशाल जी ने आपको अपने लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, ये MBA हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं और किसान पुत्र हैं।
इन्होंने नौकरी ना करके अपना खुद का काम करना बेहतर समझा, क्योंकि ये डेयरी फार्मिंग भी कर रहे हैं, अपनी खेती की देखभाल भी कर रहे हैं और अपना लेयर पोल्ट्री फार्म भी चला रहे हैं, जिससे कि एक अच्छा खासा ये मुनाफा कमा रहे हैं और कुछ परिवारों को ये रोजगार भी दे रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में विशाल राणा जी, जिन्होंने आपको अपने लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको कुछ मदद दे के जाएगी। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।